टीईटी का क्वेश्चन पेपर 2013 का ही उर्दू पे स्टार्ट करें तो उर्दू में यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज में क्या करना होता है हर मरतबा कि जो पैसेज आपको आए ना तो सबसे पहले इसको दिमाग में बिठा लेना है पढ़कर। तो हम पैसेज पढ़ते हैं जामे अजहर और जामतुज़ज़हर दो मुख्तलिफ इदारे हैं। जामे अजहर मस्जिद है जो कंटेंट है इसको दिमाग में रखना है, जिसकी तामीर 361 हिजरी में माजुल्ला के गुलाम तो कौन थे गुलाम जौहरुल कातिब ने उस वक्त की जब उसने काहिरा आबाद किया। इस एतबार से काहिरा की सबसे कदीम मस्जिद है और उसकी तामीर में एक ऐसा तिलिस्म यानी कि एक ऐसा जादू रख दिया गया है कि उसमें कोई परिंदा मकड़ी या कबूतर वगैरह नहीं रह सकता। मतलब ऐसा जादू जैसे तिलिस्म आती वगैरह में, तो ऐसा जादू है कि उस की तामीर में के कोई परिंदा या मकड़ी या कबूतर वहां पर नहीं रह सकते। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक 150 मुदर्रिस के हलके कायम हुए। यहाँ की तालीम की इतनी शोहरत हुई कि दूर दराज मुल्कों से यहाँ लोग आने लगे। वक्तन फवक्तन इस मस्जिद के अतराफ भी मुतादिद उलूम की तदरीस के लिए शोबे जात कायम हुए और उसकी इमारतों ने शहर के बड़े हिस्से को घेर लिया। इस तरह बाकायदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी जो जामियतुल अजहर के नाम से जानी जाती। अब असल तालीम जामियतुल अजहर में ही होती है, अलबत्त जामियतुल अजहर में अब भी तदरीस की बहुत सी क्लासेस लगती है अभी। इनमें हदीस और तफसीर काबिल जिक्र है। इन हलके हाय दर्स में पर्दे के अहतमाम से खवातीन भी शरीक होती है और उन्हें डिग्री भी तफवीज की जाती है। अब यहाँ पर आपके सामने है सवाल। पहला सवाल है कि जामे अजहर की तामीर किसने की? मौजुल्ला जवाहरुल कातिब मोहम्मद आशुर। अब जैसे कि हमने पढ़ते वक्त में रखा था कि गुलाम क्या था कि जवाहरुल कातिब, अच्छा तो जवाहरुल कातिब क्या था? गुलाम था। तो हम देखते हैं कि क्या उन्होंने तामीर की। मौजुल्ला के गुलाम, हाँ कुछ आ रहे तामीर, हाँ इसमें मौजुल्ला के गुलाम जवाहरुल कातिब। हाँ और इसको हम क्रॉस चेक करने के लिए जो उसकी आंसर की है तो वो भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है वो देखना है, 31 है। तो 31 से हम यहाँ पर आंसर की में जाएंगे। थर्टी अच्छा वन हाँ तो ये पर्याय यहाँ पर है उर्दू भाषा। सेकंड, तो सेकंड बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए किस इदारे की बुनियाद पड़ी? जामे अजहर, जामतुल अजहर। अब देखिए कुछ चीजें सब पढ़ लेने के बाद कैसा हमारे दिमाग में होता है कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था। अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हमने लास्ट में जब इसको रन किया था अलग आया था तो ये लास्ट लास्ट में था। जामतुल अजहर जो अलबत्ता बाकायदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी, तो क्या ये हो सकता है? इदारे की बुनियाद पड़ी, बुनियाद पड़ी। तो टिक करने वाले ने फर्स्ट टिक कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि 32 का क्या होगा। तो सेकंड बिल्कुल सही। किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा मकड़ी या कबूतर, तो तिलिस्म की वजह से। मुतादिद क्या होता है? तो मुतादिद क्या है? इस्म है क्या? इस्म क्या होता है? नाम, किसी का भी नाम, सर ना हो तो नाम किसी का हो जाएगा तो नाम तो नहीं है, जमीर है क्या? शोबाई जात, मुतादिद, जमीर, मुआदिर, शोबाई जात। तो मुतादिद शोबाई जात पैराग्राफ में आया था, तो शोबाई जात मुतादिद उलूम की तदरीस के लिए मुतादिद शोबाई जात कायम हुए। तो देखते हैं कि क्या ये हो सकता है। मुतादिद क्या है सिर्फ इतना पूछा था। सवाल नंबर है 34, तो उसका है फोर्थ बिल्कुल, शोबाई जात सही।
राइट। नेक्स्ट है, वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? वो लफ्ज इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो अब इस्म तो अलग है, ज़मीर तो अलग है, और सिफत तो अलग है। अब इस्म से निकलते तो इसमें जामिद और इसमें शख्स, जैसे कि प्रॉपर नाउन वगैरह, कलेक्टिव नाउन, ऐसे जो आते थे। जामिद किसको कहते हैं? जामिद तसव्वुरात ऐसे होते, कुछ कुछ चीजों में आता जामिद, और इसमें शख्स तो बहुत फंसे हुए। तो क्या हो सकता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जामिद का मतलब क्या हो? उसका है 35 का, वो दे रहे फर्स्ट, मतलब जमीर, जैसा उस, जैसे कि अगर कह रहे, मतलब इसमें कंफ्यूज कर दिया गया था, इसमें की जगह जो इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर जमीर क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। तो नाउन मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर एक नेम, जैसे जोया है तो जोया एक नेम हो गया। अब प्रॉपर नाउन मतलब शी, हाँ, जोया इज लर्निंग, हाँ, जोया इज लर्निंग एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा। तो सिफत तो मतलब आगे आ गई एडजेक्टिव, और शी जमीर तो, हाँ, तो वो मतलब ऐसा। तो कभी कभार ऐसा कंफ्यूजन होता है, तो ये इस तरह से जमीर था। उसके बाद क्या है कि 36, जमाले अमजदी किसकी सवाने उम्री है? सवाने उम्री वगैरह जो हयाती तौर पर पूरा लिखा होता है, तो जमाले अमजद, लगता तो ऐसा है कि अमजदुल इस्लाम अफसर मेरठी इस्माइल मेरठी अमजद हैदराबाद। अब लगता तो है कि अमजद, लेकिन इसमें देखिए नाम के आगे ऊपर के शायर का नाम, ये सवाने उम्र जो होता है, तो अगर कोई शायर के वर्ड लिखे तो ये ऊपर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये हो जाएगा, दूसरे पे नहीं है। तो देखते हैं कि क्या सही है या नहीं। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 37, 30 परवाने शमे रिसालत के किसकी तसनीफ है? 30 परवाने, एम ए बी ए जिन्होंने करा है ना, तो उनको ये तसनीफ, सवाने उमरी, इसमें बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और उनको समझेगा भी, बी ए एम ए वालों को ज्यादा। तो 30 परवाने शमे रिसालत के, गुलाम ये अब्बास, किसमें तो देखते हैं इसमें। उसका है सेकेंड, ये वाला जनरल नॉलेज बेस पे सवाल था, पैराग्राफ से इसमें लेना देना नहीं आया, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर पैराग्राफ से ही आता है। राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत कब हुई? राजेंद्र हाँ, राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत, ये सब की मतलब जनरल नॉलेज बेस्ड। सिंह तो इसका है सही जवाब थर्ड, 1915। फलाहत के क्या मायने आते हैं? बातें करना, खेती बाड़ी करना, आसान इलाज करना, या दाना है? फलाहत, ये भी खतरनाक क्वेश्चन था। इसका सेकंड जवाब है खेती बाड़ी करना, फलाहत। उसके बाद है नजीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। ये अच्छा बोलिए मोहम्मद, तो ये वाले एग्जाम में पूरा जनरल नॉलेज बेस पे आया था, वली मोहम्मद। उसके बाद शहर यार को कौन सा इनाम मिला था? अब हालांकि अगर जो सीटेट का आता है उर्दू, इसमें तो जनरल नॉलेज बेस नहीं आता है, पूरा पैसे से और बहुत आसान, लेकिन इसमें थोड़ा सा बी एम ए टाइप का जुड़ा हुआ है। ये पद्मश्री वैसे 2013 का भी है, आगे आगे समझ में आएगा कि कितना चेंजेस उसमें आएंगे। तो शहर यार को कौन सा इनाम मिला था? प्रदाता उसका है फोर्थ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इस तरह इनके ऑफिशियल आंसर की से भी ये आ रहा है। उसके बाद शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है? शम्सुल उलमा,
जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल है फिर भी। ये फर्स्ट है अल्ताफ हुसैन खान। हाँ, हाकिम की जमा, हाकिम की जमा, हुक्काम, हुक्काम, अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम, हाकिम की जमा हुक्काम। तो देखते हैं 43 का, उसका है फर्स्ट हुक्काम, ऐसा हाकिम की अहकाम, हुक्म की अहकाम, यानी किसी को हुक्म देना तो ज्यादा अहकाम, और हाकिम रहेगा तो हुक्काम, इस तरह। तो ये कंफ्यूज आते हैं उर्दू के स्टूडेंट। अफरात की जिद, इफरात, इफरात की जिद, परवानी, अच्छा बहुतात यानी ज्यादा होना, मुफस्सिल, कमयाब, उसका है सेकंड कमयाब, अफरात की जिद। तो अब इसमें ये भी देखना है कि इफरात का मतलब क्या है, इफराद को क्या होता है मतलब। तो इफराद का मतलब ये होता है कि कसरत, ज्यादती, ज्यादा को कहेंगे इफराद, परवाने भी होती है कसरत, ज्यादा होना, और बहतात, बहतात होना भी होता है कि ज्यादा होना, बहुत का बहतात वैसा। और मुफस्सिल जैसे जवाब लिखिए जैसे बोले, तो वैसे में मुफस्सिल मतलब तफसील से डिटेल में, जिसका जिद सिर्फ एक होगा कमयाब, कमी कमयाब, तो इस तरह। अब है कि मुरब्बी की तानिश। अब इसमें सबसे पहले तो ये बोलना है कि तानिश क्या होती है, तफनीश, सा तानिश, फिर उसके बाद मुरब्बिया क्या है, राबिया, मुरब्बा, मुबर्रा। तो अब ये बताना है कि क्या होगा। तो तस्कीर और तानिश ये दो चीजें होती है कवायद में, जिसमें तस्कीर का मतलब ये होता है कि मुजक्किर होना या मुजक्किर करार देना, और तानिस मतलब ये है कि यानी कि मौनस, जैसे मौनस से तानिस बना, तो मौनस करार देना, ये होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि बेजान जो चीजें होती है उसकी तस्कीर और तानिस फर्जी होती है, खयाल, ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जैसा पत्थर है, अब पत्थर बोले तो कोई बोलेंगे कि मेल नाउन दिया हुआ, पत्थर नहीं, ऐसा थोड़ी होना। हाँ तो उसमें कैसे फर्जी होता है एक नाम दिया जाना, लेकिन इसमें हर बेजान इस्म अपनी जगह पर मुदक्किर, तस्कीर या मौनस, तानिस होता है कभी कभार। तो बेजान जो चीजें होती है तानिस में, तो गैर हकीकी भी उसको हम कह सकते हैं, गैर हकीकी। अब एक मिसाल लेंगे, मिसाल के तौर पे अभी ये तो अपने नाम देख लिए थे इसका, पत्थर, लेकिन अगर हम बोलते हैं आसमान, तो आसमान काला है, तो आसमान काली है ऐसा बोलते हैं, तो आसमान काला, तो इसको क्या कर रहे हैं, मुजक्कर में आए, पानी आया, अब पानी तो नहीं दिख रहा, लेकिन बोलते पानी आई, अभी कैसा किसी ने बोला जाए पानी आई, पानी आया, तो इसको क्या करते हैं कि इसका तसव्वुर नर और नर की तरह हो रहा है। लेकिन अब जैसे किताब, किताब आ गई, किताब खो गई, किताब आया नहीं बोले ना कोई, तो इसको मौनस की तरह पर एक कयास आ रहे में आ रहा है, जैसे घास, घास आ गई है, घास आ गया है ना, घास उग गई थी, ऐसा उग गया था, ऐसा नहीं। तो ये क्या है कि कुछ तस्कीर और तानिस में जो होते हैं गैर जानदार चीजें, उसमें ये उसूल होते हैं उसके, कि जिसमें ऐसा माना जाता है पहले जुबान उनको मुजक्कर और मोनस बता देते हैं। अब उसके जो उसूल है तस्कीर और तानिश के, अब वो हम आज देखेंगे। तो तस्कीर और तानिश के उसूल में क्या होता है कि गैर जानदार और इसमों को भी बतौर मुजक्कर और मोनस बोला जाता है, किसको, गैर जानदार इसमों को भी, ऐसा गैर जानदार नाम। इसलिए ये याद रखना है कि जैसे दरियाओं के अगर नाम है तो उसमें कुछ मुजक्कर भी है, कैसे, जैसे कि दरियाए जहलम जो आता है, जेलम, दरिया, दरियाए चनाब की जो है रिवर, चनाब, और उसके बाद में रावी की है रिवर, रावी, सतलज है, हाँ, गंगा और जमुना को मगर मौनस कहा जा रहा है, गंगा बहती है, जमुना बहती है, गंगा जमुना तहजीब, लेकिन
चन्नाब, ये वाले सारे को ये मुदक्कर में कौन करता है। उसके बाद अगर किताबों के अगर नाम है तो किताब के नाम अगर मौनस में अगर देखे जाए, जैसे कि पयाम मशरिफ, आसमानी किताबें इतनी है, ऐसा बोलते हैं। कुलियात इकबाल मौनस में काउंट होगा, कहानी की किताबें हो गई, दर्सी किताबें हो गई। अब आवाज सोत, जैसे कि स्वाद से जो सोत होता है, सोत सोतियाती आ गई, मतलब सुनने से रिलेटेड होता है, सोती आलूदगी, मगर सुनने से रिलेटेड में चीज आता है, सुनकर बोलना ऐसे भी आता है इसमें। तो आवाज सोत जिसको कहा जाता है वो मौनस होता है, वो कैसे है, बारिश की छमछम। बारिश की क्या है, छमछम, बिल्ली की है म्या म्याओ म्याओ, तो ये भी क्या हो गया, मौनस की आवाज है। हवा की क्या आवाज भी है, साय साय ऐसा, और बंदूक की ठाई, कोयल की कुकू और बादल की गरज, ये आवाज स्रोत के तौर पर मौनस में काउंट होता है। बिजली गरज रही थी, हाँ बादल गरज रहे थे, ऐसे में जो नाम आते हैं बोलने में ये, अच्छा हाँ इस तरह। तो अब इसमें एक और क्या आता है, अखबार रिसाले के भी नाम होते हैं मुजक्कर में, जैसे कि नवाए वक्त, जंगे अखबार, अखबारे जहां, ऐसे। नमाजों के नाम मौनस में आते हैं, जैसे कि फजर, जहर की नमाज पढ़ी, जोहर की पड़ी, असर की, मगरिब ईशा। धात पत्थर अगर देखे तो जैसे कि मुजक्कर में आते, सोना सोना, लोहा, और याकूत, हीरा। चांदी को मौनस में बोला जाता है, मगर तो ये धातों के अंदर मुजक्कर मौनस का उसूल। ये भी आ सकता है आपको, मतलब कल को क्वेश्चन इसके ऊपर। अगर हम महीनों की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से अप्रैल दिसंबर, ये कहाँ तक है, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, ये मुजक्कर में काउंट होते हैं। और लेकिन औकात के जो नाम है तो ये भी मुजक्कर में, जैसे कि सेकेंड, कितने मिनट, लगा, घंटा, महीना, साल। लेकिन सुबह, दोपहर और शाम और रात को क्या बोलते हैं, मौनस। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ऐसे। दिनों के नाम अगर है, पीर, मंगल, बुध, हफ्ता, जुमा, लेकिन जुमेरात को मौनस कहते थे, जुमेरात, हाँ जुमा है आज और जुमेरात, तो उसको मौनस में काउंट हो जाता है एक दिन। तो तानिश में कल को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये आ जाएगा। अगर इसको जांचना है आपको, जैसे मेरे सर में दर्द हो रही है, ये नहीं कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो दर्द को मतलब मुजक्कर, तो ये मुजक्कर तस्कीर और तानिश के ऊपर ये सारे उसूल आते हैं। और इसके ऊपर तो अब ये पूछ रहा है कि मुरब्बी की तानिश क्या हो, के मतलब ये सब मुरब्बी लिखा हुआ है, खड़ा जबर अगर आ जाए इस पे तो मुरब्बा हो जाता है उसे, तो लेकिन मुरब्बा तो यूं लिखते हैं, तो उसकी तानिश पूछ रहा है। तो मुरब्बिया या राबिया या मुबर्रा, तो इसमें से क्या है, अब ये समझ में आएगा। तो जिसको उर्दू अच्छे से आती है तो वो उसको बता सकता है। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, अगर 45 का तब हम देखेंगे, उसका है फर्स्ट, फर्स्ट क्यों हुआ मुरब्बिया, क्योंकि ये तानिश पूछा था, तो ये मुजक्कर था, तस्कीर और उसकी तानिश हो जाएंगी मुरब्बिया। राबिया ये एक अलग हो गया, हो सकता है कि ये मुजक्कर में भी आता हो, राबिया, बसरा, ऐसे नाम अलग अलग है, मतलब जेंट्स लेडीज के भी एक जैसे भी होते हैं ना कभी कभार, लेकिन ज्यादा राबिया ये नाम मुजक्कर में तस्कीर वाला हो रहा है। और मुरब्बा जो है तो मुरब्बा खाया, ये तस्कीर वाला, मुबर्रा मुबर्रा है, सिर्फ कंफ्यूजन किसमें था, राबिया, क्योंकि हमने सुना था कि राबिया नाम के लेडीज होते हैं तो दिमाग में ही आता है, वैसा नहीं। तो मुरब्बा की जो तानिश हो जाएंगी मुरब्बिया ज्यादातर। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि दर्ज जैल से किस लफ्ज के आगे खैर लगाने से वो बामानी साबेखा बन जाएगा। अब ये ग्रामर किस पे है, साबेखे और लाहेखे पर। तो मतलब बामानी साबेखा बन जाएगा, बामानी साबेखा, तो ये साबेखा लाहेखा जिसको पता है तो वही दे सकेगा जवाब, खैर लगाने से आगे। अब पहले हम लगा के देखेंगे, ख्वा खैर, खैर ख्वा पहले लगता है, खैर ख्वा, परेब खैर, खैर परेब ऐसा नहीं, परोज खैर, नशीन खैर, ऐसा कुछ नहीं आता, तो खैर ख्वा। तो बामानी, बेमानी मतलब बगैर मायने, और उर्दू में बा आ जाता है तो मानी फिर, तो बामानी साबेखा बन जाएगा। साक्षर लाएगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ सफिक्स और प्रीफिक्स वगैरह इस तरह से, ये वाले, तो उसके बेस पे ये था। तो आप देखते हैं कि 46 का बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट, ये खैर ख्वा। तो
तो वो मतलब फेस बन जाता है। शेर की सनद पहचानी है, अब सनद के ऊपर ये सवाल है ग्रामर का, सनद पहचानना है। अदब ही इंसान है, इंसान है जो अदब ना, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। तो शेर की सनद, तो सनद इस्तेआरा वगैरह बहुत सारी चीजें जो ग्रामर के आते हैं तो उसकी बेस पे है। तो अब सनद क्या होती है, अब देखिए सनद है इस्तेआरा, सनद है तशबीहा, तशबीहा मतलब किसी की मुशाबहत, जैसे कि सिमिली वगैरह जो जो आता है इंग्लिश में उस तरह का है, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, तो इसका ग्रामर में ही आएगा। सनत तजाद जिसमें जिद हो, या सनत मुबालिगा, तो हाँ झूठ का इस्तेमाल, जिसमें मुबालिगा यानी जिसमें झूठ का इस्तेमाल, तजाद मतलब जिसमें जिद है एक दूसरे की, अपोजिट है दूसरे, और तजबिया मतलब किसी से तजबी दी गई कोई गैर जानदार चीज को इंसान से, ऐसा पर्सोनिफिकेशन की तरह। और सनत इस्तेआरा इसका मतलब अच्छा फिगर ऑफ स्पीच जो आते हैं उसके तरह ही है, पूरे होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, सिमिली पर्सनिफिकेशन मेटाफर अलग अलग चीजें। तो इसकी सनद को पहचानना, इसके अंदर अदब ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है, तो क्या होगा तजाद हो सकता तो देखते हैं उसका है है टू, सनद तजाद, तो तजाद बराबर है कि अदब अगर है तो इंसान इंसान ही हो रहा, और अदब निकल गया तो बिल्कुल हैवान, तो उसका उल्टा हो जा रहा, तो तजाद। तो इसके लिए भी पूरा ग्रामर को बाद में और फुर्सत से पढ़ना रहेगा, तो ये इसका था। उसके बाद है मुहावरे के मानी बताना है, सुर्ख रुह होना, सुर्ख रुह मतलब ऐसा कोई गुस्सा हो गया, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लाल होना, कामयाब होना, वादा पूरा करना, सुर्ख रुह गुस्सा होना, तो क्या गुस्सा होना होगा सेकंड या फिर सुर्ख रुह होना कामयाब होना होगा, सेकंड तो हम देखते हैं। तो थर्ड है कामयाब होना, तो सुर्ख मतलब लाल होता है, अब इसमें दिमाग में इन्होंने कंफ्यूज किया कि लाल हो जाए, ये भी गलत था, और गुस्सा होना भी। सुर्ख रो होना, तो रो मतलब एक लय होती है, सुर्ख रो होना यानी कामयाबी मिल जाए, सुर्ख रो। बस मैंने भी आपको बताना पड़ेगा हाँ इस तरह सुर्ख रो हो जाना, कामयाब हो जाना इस तरह, तो वो लय में आ जा रहा है रो, इसलिए। अब है नेक्स्ट के जुमले में अलामाते औकाफ को पहचानना है, तो रमीज औकाफ और क्या क्या आते हैं वो सारे चीजों पर ये ग्रामर है। तो अब ये है कि जुमले में अलामाते औकाफ को पहचानना है, तो जिसको ये पता है इसका पूरा ग्रामर तो वो अच्छे से दे पाएगा एग्जाम में। काश मैं परिंदा होता, तो अलामाते औकाफ के ये एक्सक्लेमेटरी इसको कह रहे हैं कि इसको क्या नाम है, वावेन फिजाइये निशान और खत्मा है, वाउलेन और फिजाइये निशान सख्ता, वाविन और वक्फा, फिजाइये निशान और खत्मा, तो क्या है फिजाइये निशान और खत्मा, या वाविन फिजाइये निशान और खत्मा, या वक्फा ये सख्ता, वाउलेन और फिजाइये। अच्छा तो देखते हैं उसका है सेकंड बिल्कुल सही, सेकंड वाविन फिजाइया निशान, वाविन मतलब किसको कह रहे हो, ऊपर के जो दो वाविन है, तो वाविन फिजाइया निशान, ये फिजाइया निशान, और खत्मा, खत्मा कहाँ पर है, क्योंकि खत्म हो गया डायरेक्ट, काश मैं परिंदा होता अधूरा नहीं था, वक्फा आता तो कॉमा आ जाता था इस तरह, और खत्मा कब आता था सिर्फ इसमें किसी कहावत नहीं होती थी अगर, तो कहावत होने से वावेन था जिसको कंफ्यूज किया गया वाउलेन से, और सख्ता क्या होता है, सख्ता देखा और वक्फा ठहराव आ जाना उस पर, हाँ तो सख्ता नहीं आया, खत्मा था क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हुआ। शेर मुकम्मल कीजिए, शेर को आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, आदमियत का सबक मतलब इंसानियत का सबक भूल रही है दुनिया, गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, कि ऐसा कर लो कि जितने भी गम के मारे उनको कलेजे से लगाओ, ये दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिला लो, और तो इंसानियत के लिए तो दिल बिछड़ों को मिलाना ये नहीं आ रहा,
आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए, कि सुबह हो गई तो इसका पैगाम, या फिर ये सबक असरे नौ उसको पढ़ाया जाए, फिर से उसको पढ़ा दो, कि आदमियत का सबक भूल रही दुनिया और उसको वही पढ़ा दो, ये सबक उसको पढ़ाया जाए, तो इसमें क्या होगा, मुकम्मल करना शेर। तो अब जिसने शेर पढ़ा है या नज़म पढ़ा है वो बोल सकता है, तो हो सकता है कि अगर किसी ने ऐसा लिखा हो कि आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, फिट भी होकर देख सकते हैं ये फिट हो रहा है। आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए, यह सबक सर उसको पढ़ाया जाए, फिर से मिला, चारों फिट हो रहे हैं, तो देखते इसका 50 का, उसका है फोर्थ। क्या चौथा, ये सबक असरे नौ उसको पढ़ाया जाए, आदमियत का सबक बोले, तो ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली दिल से, वो आपको नज़म जो कि बी ए एम ए की किताबों में है तो वो पढ़ना है ज्यादा ये सब चीजों के लिए। उसके बाद है 51, वो जुमला जिसमें हैरत अफसोस खुशी ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसको क्या कहते हैं। अमरिया, अमर मतलब कहते हैं कि किसी को इंस्ट्रक्शन देने, हुक्म देने। इस्तेफहामिया जुमला, इस्तेफहामिया मतलब क्या होता है, बयानिया फिजाइया, फिजाइया तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला होता है, बयानिया बयान का, और इस्तेफहामिया वो पहले चाहिए ये सारे पढ़ना है, हैरत अफसोस अफसोस खुशी, तो फिजाइया है क्या, तो देखते हैं पहले। फोर्थ बिल्कुल सही है, फिजाइया जुमला। उसके बाद है नेक्स्ट, के वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सीरत पाक को बयान किया जाए क्या कहलाती है। डायरेक्ट बोल सकते हैं ना अपना, तो हाँ, तो ये बिल्कुल हमेशा से याद रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें सीरत पाक बयान की जाए वो जुमला, मतलब उनकी उसमें तो सिर्फ नात हो जाएगी, तारीफ नात हो जाएगी। कसीदा तो किसको कहते हैं, कसीदा किसी के मतलब शहीदों के उसके ऊपर लिख देना, ऐसा कुछ नज़्म मुअर्रा ये भी मालूम करना होगा, और हम तो अल्लाह की तारीफ इसमें बयान की जाए। उसके बाद मुखमिस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, मुखमिस, अब मुखमिस क्या होता है बोलिए, तो समझते हैं मुखमिस को, तो उसको मुखमस पढ़ना है। मुखमस क्या होता है कि मुखमस ये एक अरबी लफ्ज है, और अरबी लफ्ज है जिसका मतलब क्या होता है, पांच, उसका हर बंद जो होता है कितने बंद के मिसरे होते हैं, तो हर बंद पांच मिसरों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि हम नज़्म ये वो देखते हैं, तो कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं दो दो लाइन के, चार लाइन के, तो ये पांच मिसरे उसमें होते हैं। पहले बंद के पांचवें मिसरे में हम काफी होते हैं, पहले बंद के पांचवें मिसरे में हम काफी होते हैं, और बंद के बंदों की इब्तिदा चार मिसरों का काफिया अलायदा होता है, मतलब ये चारों का अलायदा होता है काफिया, और पांचवें मिसरे का काफिया पहले बंद का हम काफिया होता है। अब इसको काफिया नहीं मालूम तो काफिया वगैरह उसको भी पढ़ना रहेगा बाद में। अब काफिया क्या होगा, सेम सेम सिमिलर सिमिलर चीज, तो नजीर अकबर आबादी के नजम जैसे कि है आदमी नामा, वो पढ़ के देख लीजिए, बरसात की बहार में, और इकबाल की नजम है रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, मुखम्मस की ये मिसालें। उसके बाद भी मुखम्मस, तो ये इसका मतलब ही क्या निकलता है, मुखम्मस में पांच इस तरह, मुखम्मस में, तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि टूटकर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, ये दूसरा है, और तीसरा है कि वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊँ खौफ के मारे, ये चौथा, और पांचवा क्योंकि मेरा खुदा है मेरा साथ। हमारे सारा चौथा भाई हाँ, तीन सेम और एक चौथा अलग है ऐसे, तो ये इस तरह से वो आता है उसकी एग्जाम्पल ये, और ऐसे बहुत सारे। उस तरह तो ये मुखम्मस का ये होता है। अब उसके बाद क्या है 54, के वो लफ्ज जो किसी लफ्ज या इसमें जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक को जाहिर करे वो क्या होता है, वो लफ्ज
जो किसी लफ्ज या इसमें जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक को जाहिर करे क्या कहलाता है? हुरूफ जार, हुरूफ इत्फ, या फिर हुरूफ कमरी, या हुरूफ इजाफत। इजाफत पहले हम ये 53 का भी देख लेते हैं। आंसर की तो 4 बिल्कुल सही निकला। अब ये कहना है कि वो लफ्ज जो किसी इसम या जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता है ताल्लुक को जाहिर कर, तो ये क्या होता है? पहले देखना होगा कि हुरूफ जार क्या है, हुरूफ इत्फ क्या है, हुरूफ कमरी क्या है, हुरूफ इजाफत क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हुरूफ की कितने किस्में होती है। पहले तो 4 नहीं होती, 3 होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होता है हुरूफ जार, हुरूफ इत्फ और हुरूफ इजाफत, ये 3। तो हुरूफ कमरी तो निकल गया। अब हुरूफ जार और हुरूफ इत्फ क्या होता है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हुरूफ जार इजाफत क्या है? ये वो हुरूफ जो इस्मों के बाहमी ताल्लुक और लगाव को जाहिर करे वो हुरूफ इजाफत है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेंगे, जैसे कि ये शाहिद का घर है, तो हुरूफ इजाफत। तो उसमें भी होते हैं 2-3, जैसे कि जो अरबी सीखते हैं ना, तो अरबी में कैसा होता है ये अलग अलग आता है उसके कवानीन, तो वैसे इसमें आता है मुजाफ अलैह, मुजाफ अलैया, ये जो शाहिद इसमें नाम है तो मुजाफ अलैया हो जाएगा, मतलब इजाफत से। तो हुरफ इजाफत शाहिद का घर है, ऐसा मुजाफ अलैया ऐसा आएगा। और उसके मुजाफ नज़में, जैसे कि अगर इकबाल की नज़में है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इकबाल की नज़में है, तो इकबाल क्या हो गया? मुजाफ अलिया। ये भी सवाल पूछ सकता है कि इसमें मुजाफ अलिया कौन सा है और मजाफ कौन सा है, तो नज़में है ये शायद इकबाल की नज़में है, तो क्या है? तो रिलेशन है। तो किसी लफ्ज या इस्म का किसी दूसरे से रिश्ता हो जाना ये हुरफ इजाफत ये कहलाया। तो हम देखते हैं कि क्या आंसर की के हिसाब से हमारा सवाल सही आ रहा है या नहीं। तो इसका इजाफत नहीं आ रहा, हुरफ जार आ रहा। ताल्लुक इसकी हमने जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था, तो इसमें स्टूडेंट मतलब है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जवाब क्यों गलत आया? क्योंकि इस वजह से आया कि क्योंकि है ना इसमें 2 चीजें पढ़ना है। वो लफ्ज जो किसी लफ्ज या इसमें जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक को सिर्फ जाहिर कर रहा है, जाहिर करना, और ये डेफिनेशन हो जाती है हुरफ जार की। तो क्या कहते हैं? प्री पोजिशन। प्री पोजिशन मतलब काकी के, उसका घर, उसकी किताब, वैसा। तो ये क्या है? सिर्फ जाहिर कर रहा है। और अगर ये आता है हुरफ इजाफत, तो हुरफ इजाफत जिसको पढ़ेंगे, और हुरफ अत्फ क्या होता है? कंजंक्शन, जो जोड़ रहा है। ये प्री पोजिशन और ये कंजंक्शन जो जोड़ रहा है। जोड़ने में क्या आता है? कंजंक्शन की क्या क्या मिसालें हैं? कंजंक्शन, क्यों किस लिए हाँ, बिकॉज, इसलिए, क्यों, इस वास्ते, ये चीजें मतलब हुरफ अत्फ में आ जा रहे हैं। हाँ, अलावा भी ऐसे और जोड़ने में आ रहा है, तो ये हुरफ अत्फ हो जा रहा है। लेकिन हुरफ अजाफत क्या कर रहा होता है कि वो वाजे कर रहा होता है। यहाँ जो जाहिर था ना, तो जाहिर की जगह अगर वाजे आ जाए, और इसमें एक चीज और याद रखना है कि इस्म और इस्म का ही आता है, सिर्फ इस्म, ये याद रखना, उसके साथ जमीर का नहीं आएगा ताल्लुक। तो सिर्फ इस्म का आएगा और किसी दूसरे से रिश्ता ताल्लुक को वो वाजह करेगा। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे जोया की किताब, तो जोया एक प्रॉपर नाउन हो गया, इस्म आ गया वहां पर, और उसके बाद में उसकी किताब तो वाजह कर रहा है, और सिर्फ काकी के, उसका घर, तो इसमें क्या है कि प्रोनाउन या यूज हुआ जमीर। तो जब जमीर का मतलब आ जाए और सिर्फ जाहिर आ जाए, वाजे ना आए, तो उससे हमें याद रखना है कि हुरफ जार हम लगा देंगे प्रीपोजिशन। कितना याद रखना है? फिर प्रीपोजिशन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, और ये हो गया सिर्फ जोड़ने के लिए अजाफत, जिसमें मजाफ और मजाफ अलै ये दो इस्तेमाल होते हैं, कि मजाफ क्या हो जाएगा, फिर मजाफ अलै जोया और उनकी किताब, तो मजाफ अलै मतलब जोया हो जाएंगे, और मजाफ जो है तो किताब हो जाएगा, जिसमें 2 चीजों का आता है। तो ये वाजह है और जाहिर और सिर्फ इस्म, ये चीजें याद रखना इसके अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट के दर्ज जैल से क्या कसीदे का जुज नहीं है?
आप फंस जाएंगे कि कितने जुज है ये आपको पढ़ना रहेगा, तो जब समझ में आएगा। गुरेज मदह सरापा हुस्न तलब, तो इसमें से क्या जुज नहीं है कसीदे। तो सबसे पहले तो हम कसीदे की तारीफ समझेंगे कि कसीदा क्या होता है। कि कसीदा एक अरबी जुबान के लफ्ज कसद से निकला है, जिसके माने क्या होता है, इरादा करना। इरादा करने के होते हैं इस्तेलाही मानों में ऐसी नज़्म जिसमें किसी बादशाह वगैरह की तारीफ की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। अभी हम जैसे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सिर्फ शहीद का इसका आएगा, तो वो नहीं रहेगा, उसको और कुछ कहते ही शायद। तो ये मतलब बहुत सारे आते हैं ना, रुबाई कसीदा वगैरह ये सब। तो कसीदा क्या होता है कि ऐसा बादशाह वगैरह की कोई तारीफ की जाए तो उसको कसीदा कहा जाएगा। और अब कसीदे के बारे में और हम समझते हैं कि कसीदे में अशार की तादाद कम से कम कितनी होनी चाहिए होती है। अशार की तादाद 19, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर ही नहीं है। तो कम से कम कितना रहेगा कसीदा, 19 लाइंस पर मुश्तमिल रहेगा। ये भी आपके दिमाग में फिट कर दीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कसीदे में उसके आगे उसके हिस्से, कसीदे में किसी अशार की जो तादाद थी ये आपने याद कर ली। अब देखना है कि उसके चार हिस्से होते हैं। जुज कितने हैं, चार। कौन कौन से है, तशहीब जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, गुरेज दूसरा, वदह दो दिख रहे हैं, दुआ। और दुआ, ये चार होते हैं। अब ये क्या होते हैं देखते हैं। तशहीब क्या है, तजबीर, तजबीर जो होती है पहला तजबीर। ये पूरे आप जैसे ऑनलाइन अभी बोल रहे हैं ना, बाद में इसके नोट्स बनाएंगे तो अपने अपने जो नोटबुक है तो उसमें नोट करते चलना है, इसको स्टॉप कर करके वीडियो को भी, और उसको थोड़ा पीछे लेकर और भी देख सकते हैं नहीं समझा तो, लेकिन प्रॉपरली पूरे लिखते चलना है, अपने खुद के नोट बनाते हैं। तो क्या है तजबीर, मतलब क्या होता है। अब जितने भी जैसे कि मार्केट में आपको कहा जाता है ना कि बुक्स मत लो, तो बुक्स में ये कंटेंट पूरा मुकम्मल नहीं होता। अगर आपको उर्दू का करना ही है ना तो फिर बी एम ए के बुक्स आपको पढ़ना पड़े, तो करके उसके बुक्स सक्सेसफुल नहीं होते। तो आप तजबीर का लिखिए। तजबीर क्या होता है, ये कसीदे का पहला हिस्से को कहते हैं तजबीर कहलाता है। इसमें क्या होता है फिर, अब पहला हिस्सा तो हो गया, इसमें होता क्या है, इसमें शायर इश्क इश्क वा शफी इश्क आशफी की बातें करता है, तो उसको कहते हैं कि तजबीर पहला हिस्सा, जिनका कसीदे की बाकी नजम से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब अब जो बाकी की नजम रहेगी पहले हिस्से में, तो शायर बस इसको आखिरी की बातें करेंगे और उसका कसीदे की बाकी नजम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तो वो कहलाएगा तशबीह। उसके बाद अब है गुरेज। तो गुरेज में इस हिस्से में कसीदा को ममदूह का तारुफ फितरी और मौजू तरीके से पेश करता है। किस तरीके से, कि कसीदा को मतलब जो लिख रहा है, कसीदा जो बयान कर रहा है वो ममदूह का तारीफ, यानी कि जिसमें मदह जिसके ऊपर की जा रही है उसकी तारीफ क्या करता है, फितरी नेचुरल और मौजू तरीके से मतलब अच्छे अंदाज में पेश करता है, तो उसको कहा जाता है गुरेज। इस तरह एक तो गुरेज करना होता है कि परहेज करना, वो गुरेज नहीं है, ये अलग गुरेज हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन और देख लेना। उसके बाद में है मदह। तो मदह में क्या होता है, इस हिस्से में ममदूह की मदह सराई होती है। ममदूह की मतलब जिसने किया है मतलब लिखा है, तो उसकी सराही होती है। मतलब क्या, फारसी और उर्दू में मदह का मियारी ख्याल है, आफरीनी और मुबालिगा को कहा जाता है। जैसे कि आफरीन दाद देना, उसको कहा जाता है मुबालिगा। तो ये होता है मदह। और उसके बाद में जो चौथा जुज जो होता है दुआ, या दुआया भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा कि इस हिस्से में ममदूह को बुलंद रुतबा और लंबी उम्र की दुआ दी जाती है। ये दुआ रहे तो सलामत रहे, फला फला, ऐसे जो चीजें होती है, तो उसमें दुआइया जिसको कहा जाता है, तो ममदूह को बुलंद रुतबा और लंबी उम्र की दुआ दी जाती है। बाज औकात क्या होता है कि शायर अपनी अच्छी या बुरी हालत जाहिर भी कर देता है कि शायर किस हाल में है, फिर इसको भी दुआ में याद रख लेना, फला शायर को, ऐसा मतलब लिखते हैं ना लास्ट लास्ट में। तो वो चीजें शायर कभी कभार अपनी अच्छी या बुरी हालत को भी जाहिर कर देता है, और अपना सिला भी मांगता है कि हो सिला मिले सिला इसको, ऐसे मतलब दिखने में मिलता है कसीदों में। तो ये चीजें हैं। तो अब इसमें कसीदे का क्या जुज नहीं है, तो गुरेज मदह तो आ गया, अब इसमें दो चीजें तो नहीं है, सरापा और उसने तारीफ तलब। तो अब दो चीजें कैसे आप टिक करेंगे।
मैं तो अपने दिल से और सराहता क्यों नहीं। दुआ के दुआ के दुआ से रिलेटेड हो सकता सराफा। हाँ तो देखते हैं इसमें इसका थर्ड, जो हुस्न तलब नहीं है तो सराफा नहीं है। हुस्न तलब यानी कि वो हो जाएगा जो दुआ जो अभी कहा सिला मेले, हुस्न तलब यानी बाय बाय हुस्न सुलूक करना, हुस्न तलब दुआ करना, दे रहा हाँ तलब मतलब मांगना, सिला मांगी तो दुआइया में फिर मतलब हुस्न तलब। तो इसको अभी याद रख लीजिए कि दुआइया या दुआ को आप हुस्न तलब ही कह देंगे। और सराफा नहीं, सराफा मतलब एक मतलब किसी का सर से पैर तक एक बयान है कि मतलब कैसा दिखता है सामने वाला, तो वो चीज नहीं है कसीदे का। जिस रूप किसकी रुबाइयों का मजमू है, अब इसके लिए रुबाई पढ़ना होगा, रुबाई क्या होती है और रूप किस रुबाइयों का मजमू है। तो अतिया परवीन का है कि जफर गोरखपुरी का है, या फराख फराख गोरखपुरी का है, या नजम आफरीदी का है रूप। तो इसका बोलिए, तो अभी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको हम अभी फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, बाद में रुबाई की तारीफ वगैरह देखेंगे। तो एक थर्ड है जिसका है कि फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट है दर्ज ज़ैल अशआर का मुताला करना है, और दिए गए सवाल के चार मुतबादिल में से सही मुतबादिल की निशानदेही आपको करना है। आप देखिए अशआर देखिए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। खुदसी अल असल है, रफत पे नजर रखती है, पाक से उठती है, गुर्दों पर गुजर रखती है। इश्क था फितना गुर वो सरकश हो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला है बेबाक मेरा। इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, मतलब खफा बरहम था जो मस्जूद मलाइक, ये वही आदम है। आले में कैफ है, ताना है रमूज कम है, हाँ मगर अज्ज के इसरार से ना महर्रम है। नाज है ताकत है गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तो ये इस अशार में क्या है, सवालात के अब जवाब देना है। पहला सवाल है कि कौन सी बात असर रखती है, दिल की, दिमाग की, खाक की, आसमान की, कौन सी दिल की असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो दिल की पढ़ने से आसानी हो जाती है। आसमां को किस चीज ने चीरा, इश्क ने, नाला है बेबाक ने, हाँ तो नाला है बेबाक, और मस्जिद मलाइक कौन है, फरिश्ता जिन आदम, आदम। आखिरी बंद में इंसानों को किस पे नाज होता है, शोखी मारने में, आलम कैफ में, मस्जिद मराइफ में, ताकत गुफ्तार में। आखिरी बंद में इंसानों को किस पर नाज होता है, तो कौन सा होगा, मैं तो रुक रहा हूँ। तो 60 का है, इसमें देखते हैं फोर्थ जो कि ताकत गुफ्तार में, ताकत गुफ्तार कहाँ पर था, अच्छा हाँ इस तरह। तो ये हो गया, तो ये उर्दू का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का देखेंगे। थैंक यू।